नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओमकश्यप। बड़ी खबर के साथ आज हम बुलेटिन की शुरुआत करें। देसी दवाई पर सियासी लड़ाई पर चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भारत दौरे पर नहीं आ पाएंगे। उनकी भारत यात्रा जो 26 जनवरी को होनी थी वो रद्द कर दी गई है। ब्रिटेन में कोरोना की वजह से जो हालात बने हैं उसकी वजह से ये दौरा रद्द किया गया है। ब्रिटेन में दरअसल कोरोना के नए स्ट्रेन के चलते जिस तरह की परिस्थितियां उभरी हैं, लॉकडाउन वहां पर जारी कर दिया गया है। लॉकडाउन लगाने के अलावा जिस तरह से लगातार इस कोरोना के नए स्ट्रेन के फैलने की वजह से अस्पतालों की हालत है, तमाम जगहों की हालत है, लोगों की मौतों का आंकड़ा आ रहा है, उन सब के मद्देनजर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा रद्द कर दी गई है। बोरिस जॉनसन ने खुद प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत की और दौरा रद्द किए जाने की जानकारी दी। गणतंत्र दिवस पर उन्हें विदेशी मेहमान के तौर पर इस बार आमंत्रित किया गया था, लेकिन अब उनका ये दौरा रद्द कर दिया गया है। और अब वो विषय जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, देसी दवाई सियासी लड़ाई। देश में कोरोना के दो वैक्सीन को मंजूरी मिली तो सियासी भूचाल आ गया। भारत बायोटेक के वैक्सीन पर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। कांग्रेस मोदी सरकार को घेर रही है। राजस्थान कांग्रेस के विधायक अखिलेश यादव की भाषा बोल रहे हैं, टीके को बीजेपी का वैक्सीन बता रहे, कह रहे वैक्सीन नहीं लेंगे। महामारी के बीच ये सियासी मारामारी देखिए। कोविड वैक्सीन प्रोग्राम भी शुरू होने जा रहा है। इसके लिए देश को अपने वैज्ञानिकों के योगदान पर बहुत गर्व है। कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी के साथ ही सियासत की इमरजेंसी एंट्री हो गई है। विपक्ष को वैक्सीन पर शक हो रहा है। संदेह का पहला हमला बोला उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने। फिर संभाला मोर्चा कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने। शशि थरूर और जयराम रमेश के बाद आज पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने कहा कि ये वैक्सीन लगवाने कौन जाएगा, जिसकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कोई व्यक्ति वैक्सीन नहीं लगवाएगा अगर उसकी विश्वसनीयता के ऊपर प्रश्न चिन्ह, और ये प्रश्न चिन्ह बहुत ही संजीदा जो एपिडेमोलॉजिस्ट हैं, वायरोलॉजिस्ट हैं, विशेषज्ञ हैं, ये सवाल उन्होंने उठाए, और इससे भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि के ऊपर भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा है। कांग्रेस पार्टी के विधायक प्रशांत बैरवा ने तो सीधा प्रधानमंत्री को स्वदेशी पर ललकारा और कहा है कि वो वैक्सीन नहीं लेंगे। जब मरने की स्थिति होगी तब तो मैं जरूर लगवा लूंगा, मगर मेरा स्टेटमेंट जो मैंने दिया था उसका कोर था कि प्रधानमंत्री जी स्वदेशी की बात करते हैं, तो मेरा उनसे था कि जो अपने स्वदेशी साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, उन्होंने भी वैक्सीन को इतिहास किया है, आई थिंक उसको प्रमोट नहीं कर रहे। बेटर ये होता कि जो इंडियन साइंटिस्ट और डॉक्टर्स हैं वो प्रमोट करते तो वैक्सीन हल्ती और मेरे हिसाब से सस्ती भी होती वो। इससे पहले अखिलेश यादव ने कोरोना वैक्सीन को बीजेपी की वैक्सीन कहकर नया नामकरण कर दिया था। सीधा कहा था, मैं अभी कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, मैं बीजेपी की वैक्सीन पर कैसे भरोसा कर सकता हूं। बीजेपी से लेकर सहयोगी दल अखिलेश यादव पर टूट पड़े हैं। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी सबको फ्री वैक्सीन लगेगी, हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। क्या कोरोना या किसको कोरोना है बताइए आप? सरकार मानी नहीं कोरोना, फिर क्यों लगा रहे हो आपने इतना ड्राई रन? ये सब सरकार ने कब माना कोरोना? कोरोना तब सरकार मानती है जब विपक्ष के लोग कुछ कार्यक्रम करें। देखिए, जिस तरह कांग्रेस के नेता, जिस तरह सपा के नेता, जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, जिस तरह की जबान बोल रहे हैं, लोकतंत्र में बोलने की आजादी है, लेकिन क्या विपक्ष में रहने का मतलब है सिर्फ गुमराह करना, हर चीज का विरोध करना? हम दिन कहें तो वो रात कहेंगे। हमारे साइंटिस्ट ने वैक्सीन बनाई और वो वैक्सीन पर पूरे देश को, दुनिया को गर्व है। ये किस तरह के लोग हैं, किस तरह की पार्टियां? और अखिलेश यादव का कहना ये बीजेपी की वैक्सीन है, शशि थरूर और जयराम रमेश, राशिद अलवी साहब, ये लोग किस तरह की जबान बोल रहे हैं? कांग्रेस नेता और लोकसभा सांसद शशि थरूर ने इससे पहले ट्वीट कर कहा था कि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल पूरा नहीं हुआ है, समय से पहले मंजूरी देना खतरनाक हो सकता है।
वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को मंजूरी देने पर सवाल खड़े किए थे। देश में छिड़े इस सियासी घमासान के बीच माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने ट्वीट कर भारत की प्रशंसा की। बीते दिन जिन दो कंपनियों को इमरजेंसी वैक्सीन की मंजूरी दी गई थी, उनकी आपसी बयानबाजी से भी देश में असमंजस की स्थिति बन गई थी। हालांकि आज दोनों ने ही ऐसे विवाद पर विराम लगाते हुए साफ किया कि लोगों की जान बचाना ही हमारी प्राथमिकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जानकारी भी दी गई कि 13 जनवरी से देश में कोरोना के टीके लगेंगे, साथ ही भारत बायोटेक के कोवैक्सीन पर उठ रहे सवालों पर भी सफाई दी गई। महामारी में राजनीति की मारामारी एक तरफ और दूसरी तरफ है वैज्ञानिकों की जान बचाने की पहल। ऐसे में अफवाहों का संक्रमण भारी पड़ सकता है। आज तक ब्यूरो। और आइए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ राजीव राय जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। प्रताप सिंह काचरियावास जी, जो कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है राजस्थान सरकार के, स्वागत है सर आपका आज तक पर हमारे साथ। अजय आलोक, नेता जेडीयू के शामिल होंगे। और प्रशांत बैरवा, जो एमएलए कह रहे हैं कि नहीं लेंगे इंजेक्शन, वो भी वैक्सीनेशन, वो हमारे साथ कुछ ही देर में शामिल होंगे। सबसे पहले आपके पास आना चाहती हूं डॉक्टर संबित पात्रा। अब तो मनीष तिवारी जैसे केंद्रीय मंत्री भी कह रहे हैं कि आप लोगों ने टीके का राजनीतिकरण कर दिया, आप लोगों ने ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी कि लोग विश्वास ही नहीं करेंगे वैक्सीन लेने में, बीजेपी की वैक्सीन हो गई है, जवाब दीजिए। देखिए अंजना जी, इस देश के लोग राहुल गांधी नहीं है, इस देश के लोग समझदार हैं, इस देश के लोग सब कुछ जानते हैं क्या परिस्थिति है, और इस देश के लोग हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों पर, हिंदुस्तान की संस्थाओं पर विश्वास करते हैं। ये चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं, लोग उन पर हंस रहे हैं। आज आप चाय पीने जाइए सड़क के किनारे किसी दुकान पे, आज ये एक लाफिंग स्टॉक बने हुए हैं ये लोग। कोई कह रहा है कि ये वैक्सीन लेने से नपुंसक हो जाएगा, तो कोई कह रहा है ये तो बीजेपी की वैक्सीन है, ऐसे जैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने और हम सब ने वहां पर घोट घोट के ये वैक्सीन बनाया है बीजेपी के हेडक्वार्टर में। किसने बनाया है ये वैक्सीन? ये वैक्सीन देश के महान वैज्ञानिकों ने शोध करके बनाया है, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने नहीं बनाया है, इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी का वैक्सीन नहीं है। पहले तो अखिलेश यादव जी को ये बात क्लियर कर दिया जाए। दूसरी बात है, जो लोग कह रहे हैं कि हम तो वैक्सीन नहीं लेंगे, देखिए बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का विषय है, जब पूरा देश एक संक्रमण काल से गुजर रहा हो, एक वर्ष के कालखंड के अंदर देश के वैज्ञानिकों ने बहुत मेहनत करके वैक्सीन प्रोड्यूस किया है, पूरा विश्व इसकी सराहना कर रहा है। और अंजना जी, केवल हमारा देश नहीं, हमारे देश के मैन्युफैक्चरिंग के लिए, हमारे देश की फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर हो, उसके ऑर्डर्स कई देशों से हिंदुस्तान में आए हैं। आप बताइए, विदेशी हम पर विश्वास कर रहे हैं? आपने अभी कहा कि माइक्रोसॉफ्ट के जो चेयरपर्सन है उन्होंने हमारी बड़ाई की है, WHO हमारी बड़ाई कर रहा है, मगर ये कुछ कांग्रेस के राहुल गांधी जो दो अच्छे लड़के हैं, जो साइकिल पे बैठे थे, साइकिल पंचर हो गया, ये दो अच्छे लड़के, इनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। देखिए, इनके अच्छा बुरा लगने से कुछ नहीं होता है। और मैं विनम्र निवेदन करूंगा, जो लोग हम लोग इतना समझा रहे हैं कि आप लोग इस प्रकार से अफवाह मत फैलाइए, अगर फिर भी आप अफवाह फैला रहे हैं कि मैं वैक्सीन नहीं लूंगा, कुछ भी हो जाए मैं नहीं लूंगा, तो प्लीज, ये 21st सेंचुरी है, पत्ते पहनिए, जंगल में गुफा में रहिए, यहां सब कुछ साइंटिफिक पेपर के आधार पर मैं आपको बताता हूं। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI विजय सोमानी जी का बयान है, COVID-19 सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटी ऑफ सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO का बयान है, ICMR डॉक्टर बलराम भार्गव DG हैं, उनका बयान है, हेल्थ मिनिस्ट्री, ये ट्वीट है हेल्थ मिनिस्ट्री के डॉक्टर हर्षवर्धन का, सब कुछ समझाते हुए। ये सारे साइंटिफिक चीज आप छोड़ देंगे और कहेंगे ये बीजेपी की वैक्सीन है। कशावास जी, अब आप मोर्चा संभालिए, ये जो आपके नेता एक के बाद एक सामने आ रहे हैं और शक जाहिर कह रहे हैं, मैं यही कहूंगी, क्योंकि चाहे वो इससे पहले जयराम रमेश हो, शशि थरूर हो, अब मनीष तिवारी हो, सब यही कह रहे हैं कि भारत बायोटेक के इस वैक्सीन पर कैसे यकीन करें, क्या जो मापदंड थे उसे बनाना गया। ऐसे में सवाल ये है कि क्या हम साइंटिफिक प्रोसेस को धत्ता बता देंगे सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए, या आपको लगता है कमी रह गई है? देखिए अंजना जी, एक बात आप मानकर चलिए, जब भी मैं संबित पात्रा जी को सुनता हूं तो मुझे बड़ा दुख होता है। क्या आप बोलते हैं, राहुल गांधी जी के साथ ऐसा हो गया, अरे भाई वैक्सीन आ गई, पूरे देश के लिए खुशी की बात है, हमारे साइंटिस्ट मेहनत करके वैक्सीन लेकर आए, पूरे देश को वैक्सीन की जरूरत है, और आप जब वैक्सीन आ गई तो उसको राजनीति, आपने तो किसान विरोधी बिल लाकर जो वैक्सीन लगाई है, 60 से ज्यादा किसानों की मौत हो गई, उसके लिए माफी मांगी है, आज तक तो उस पर माफी नहीं मांगेंगे।
राहुल गांधी, राहुल गांधी बोलते रहते हैं, ये तो बताओ रहे हैं। पूरा नया हिंदुस्तान बस गया दिल्ली बॉर्डर पर, दिल्ली बॉर्डर पर पूरा हिंदुस्तान बस गया, डरते क्यों किसानों के नाम से? वहां वैक्सीन चाहिए, उस वैक्सीन को बिना मास्क के वो बैठा है, 60,000 किसानों की मौत हो गई। एक बाबा राम सिंह ने आत्महत्या कर ली, 5 लाख रुपए थोड़े दिन पहले वहां पर देते हैं। आप हमेशा क्या किसने कह दिया, कौन विरोध कर रहा है? अच्छे काम करो, हम तो कह रहे हैं फ्री में वैक्सीन की घोषणा करो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आपसे रिक्वेस्ट किया, 60 किसानों की मौत वैक्सीन के कारण से हो गई, क्या बोल रहे हैं अंजना जी? मिस्टर संबित पात्रा, नाटक करना, स्टाइल लगाना, नहीं, नहीं, आप बताइए ये किसान कहाँ से आए? आपने बोला कि 60 किसानों की मौत वैक्सीन के कारण हो गई, आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं कि 60 किसानों, आपने 60 किसानों की मौत वैक्सीन के कारण हुई, 60 किसानों की मौत वैक्सीन के कारण हुई है, आप क्या झूठ बोल रहे हैं, क्या झूठ बोल रहे हैं आप? कौन से किसान की वैक्सीनेशन हुई और कौन से किसान की मृत्यु वैक्सीनेशन के कारण हुई? आपने अभी कहा 60 किसानों की मृत्यु वैक्सीन के कारण हुआ है, आप बताइए वैक्सीन के कारण कौन से किसान की मृत्यु हुई? आप यहाँ कैसे झूठ बात कर रहे हैं? आप यहाँ पर सरेआम झूठ बोल रहे हैं, आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। आपको रिजाइन करना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को रिजाइन करना चाहिए मंत्री पद से जो यहाँ देश में भ्रम फैला रहे हैं कि किसानों को वैक्सीनेट किया गया और उनकी मृत्यु हो गई। इतनी गलत बात है, प्रधानमंत्री जी को रिजाइन करना चाहिए। 60 किसानों की मौत हो गई, उसके बाद भी आप तेज तेज बोल रहे हैं, बीच में बोल रहे हैं माफी मांगिए देश से, शर्म आनी चाहिए आपको। आप किसानों की मौत पर जिस तरह से जोश में बोल रहे, शर्म नहीं आती? 60 किसानों की मौत के बाद भी आपकी आवाज बहुत तेज हो रही है। हम डिस्कशन क्या कर रहे हैं, लगातार बोले जा रहे हैं और यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि 60 किसानों के वैक्सीन देकर हमने मार दिया। वैक्सीन के मुद्दे को हम लोग मिक्स ना करें तो बेहतर है। जिस दिन किसानों की बहस होगी आपको जरूर आमंत्रित करेंगे। मुझे तो ये बताइए कि आप वैक्सीन लेंगे या नहीं लेंगे? अंजना जी, ये आप वैक्सीन लेंगे या नहीं लेंगे? मिस्टर संबित पात्रा के बीच में मैं नहीं बोला, ये लगातार बीच में बोले जा रहे हैं। मैं वैक्सीन पे ही बोलता लेकिन ये लगातार बीच में बोले जा रहे हैं। अपने आप को ज्यादा होशियार समझते हैं, गलतफहमी ज्यादा है और जिनको गलतफहमी ज्यादा होती है उनका। मैंने किसानों के बारे में बीच में कब से बोला? मैंने इनको बोला था किसानों के बारे में बोलने के लिए, मैंने खुद कहा कि 60 किसानों को वैक्सीन दिया गया और उनकी मृत्यु हो गई। अंजना जी, फिर वो बोले जा रहे बीच में, मेरा नंबर आएगा जब ये बोलेंगे तो मैं बीच में बोलूंगा, आप इनको चुप कर दीजिए। हाँ नहीं, वो अपनी बारी में ही बोल रहे हैं। आप मुझे ये बताइए काशेवास जी, क्या आप लोग वैक्सीन लेंगे? आज दर्शक सुन रहे होंगे, जहां जाइए लोग वैक्सीन की बात करें, बड़े सीरियस हैं, ये लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। वैक्सीन लीजिएगा काशेवास जी? एक बात अंजना जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है, ये वैक्सीन भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। हाँ। ना बीजेपी की वैक्सीन है, ना कांग्रेस की, ये भारत की वैक्सीन है। भारत के साइंटिस्ट मेहनत करके वैक्सीन लेकर आए, मैं भी वैक्सीन लूंगा, देश का हर नागरिक वैक्सीन लेगा, क्यों नहीं लेंगे हम वैक्सीन? वैक्सीन हम लेंगे, लेकिन ये इसको मुद्दा बनाकर किसानों के मुद्दे से ध्यान हटाने की कोशिश करे। कोई वैक्सीन का विरोध नहीं है, किसी ने विरोध नहीं किया। कौन कह रहा है वैक्सीन का हम विरोध? मनीष तिवारी जी ने खुद कहा है कि वैक्सीन कौन लेगा, जो इश्यू बना रहे हैं, ये वैक्सीन कौन लेगा, इस पर इसकी तो विश्वसनीयता पहले से सवालों के घेरे में आ गई है, मनीष तिवारी ने कहा है। आप पहले उन सब के बयान सुन लीजिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने पहले दिन कहा, और कांग्रेस, तमाम कांग्रेस, ना तो ये कांग्रेस का मुद्दा है ना बीजेपी का, वैक्सीन भारत की है, जो वैक्सीन हमारे साइंटिस्ट ने बनाई उसका हम सम्मान करते हैं। ये कांग्रेस और बीजेपी में वैक्सीन पर लड़ाई नहीं है। एक सेकंड, रोज नहीं, हम तो कह रहे हैं प्रशांत बैरवा जी को दिखाइए इनके साथ, तो दे दो। प्रशांत बैरवा जी आप ही की पार्टी के विधायक है, आप ही के राजस्थान से। प्रशांत बैरवा जी आप सुन रहे हैं क्या? आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, मंत्री हैं, क्या कह रहे हैं? हाँ, आपको क्या बता रहे हैं काशेवास जी? काशेवास जी आपको क्या समझा रहे हैं, क्यों कहा आपने वैक्सीन नहीं लेंगे जी? खासे जी, देखिए ये मुद्दा ये था कि ये मोदी जी स्वदेशी की बात करते हैं वैक्सीन की, तो कहा था वैक्सीन बाहर से बन के आ रहा है, तो उस अकॉर्डिंग में मैंने बोला था कि इंडियन जो साइंटिस्ट है उनको वो बेटर होता, उसको प्रमोट किया जाता तो आई थिंक वो बेटर था। नहीं, नहीं, नहीं। और असली मुद्दा ये था कि जो किसान आंदोलन, किसान आपको पता नहीं, नहीं, है, आप जैसे नेता जब जब इस तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं, प्लीज मेरी बात सुनिए। देखिए लोगों के मन में शक पैदा होता है, आशंका पैदा होने की वजह से। फिर आप सोचिए जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति है वो पब्लिकली वैक्सीन इसलिए ले रहे ताकि लोगों का भरोसा जगे, लोगों का विश्वास हो,
लेकिन अगर आप लोग इस तरह से शक जाहिर करेंगे तो लोगों के मन में आशंका आएगी ना। जिम्मेदारी समझते हैं आप अपने विधायक होने की, माननीय विधायक जी? बिल्कुल बिल्कुल, जिम्मेदारी क्यों नहीं है। देखिए, जो हम कहते हैं लोग वो मानते भी हैं, इसीलिए हमने कहा था कि देखिए मोदी जी ने भी हमारी बड़ाई करी प्रबंधन को लेके, कोविड को लेके, तो हमारे यहाँ पे भी अभी भी काफी सारे इम्पोजेस कर रखे हैं कोविड को लेके इन्होंने, तो मैं कहा था वो रिस्ट्रिक्शन है उनको भी आप थोड़ा सा अपलिफ्ट कीजिए, क्योंकि इकोनॉमिकल मार बहुत ज्यादा पड़ रही है यहाँ पे, क्योंकि टूरिज्म से रिलेटेड हमारा राजस्थान है और होटल इंडस्ट्री पूरी तरह से ठप हो गई है, तो और लोगों ने सीख भी लिया है कि किस तरह से कोविड के साथ रहना है आई थिंक, और अब जो ग्राफ्स है वो भी कम आ गए, तो इसलिए हमने कहा वैक्सीन नहीं लाया जाए, वैक्सीन नहीं दी जाए। अभी भी मैं तो यही कहना चाहूंगा, वैक्सीन दी जाए नहीं दी जाए, नहीं अगर इतना कोई हार्श नहीं दे देनी चाहिए, क्या दिक्कत है वैक्सीन में, मगर मैं तो मुझे ऐसा लगा कि वो बाहर से बन के आई है, स्वदेशी की बात थी, उस पर मैंने स्टेटमेंट दिया था। 12 बजे से 6 बजते बजते सर आप पलट गए एक दिन में 6 घंटे में। नहीं नहीं मैंने क्या, अगर मैंने ये भी कहा था अगर मैं मर रहूंगा तो मैं वैक्सीन लगा दूंगा, वरना मैं नहीं लगाऊंगा। मंत्री जी ने जिस तरह से ठोक के कहा कि ये भारत की वैक्सीन है, उसी से पलट गए विधायक जी। नहीं देखिए, मैंने कहा था अगर मरता क्या नहीं करता, अगर मैं मर रहा हूँ तो लाइव बातचीत करा देते हैं आप ही की आपके विधायक से। आप मंत्री हैं, वो विधायक है, उनको डायरेक्टली एडमिट कराइए, उनको समझाइए, आप बोलिएगा अच्छा असर होगा, समझाइए उनको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। भारत की वैक्सीन है ना, हमारे वैज्ञानिकों की वैक्सीन है, बीजेपी की कैसे हो गई, उनके हेडक्वार्टर में थोड़ी बनी है। हमने कब कहा बीजेपी की वैक्सीन है भारत की वैक्सीन है? मैं तो संबित पात्रा जी से कहूंगा, इतना गुस्सा करते हो, पूरे देश में फ्री में वैक्सीन लगाने की घोषणा करवाइए, और फ्री में वैक्सीन लगेगी तो पूरा देश में खुशी का माहौल होगा। ये बीजेपी कांग्रेस में लड़ने का मुद्दा नहीं है, इस वक्त पूरे देश में फ्री में वैक्सीन लगनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ये चाहती है, पूरा देश ये चाहता है, फ्री में वैक्सीन लगे, सबके वैक्सीन लगे, कोई इस तरह का विरोध नहीं है। लेकिन यहाँ पे किसान आंदोलन से ध्यान हटाने के लिए कांग्रेस ने ये कह दिया, उस नेता ने, हमने किसी ने कुछ नहीं कहा, हाथ जोड़कर विनती है फ्री में वैक्सीन लगाओ, किसानों की मांगे मंजूर करो। इस वक्त किसानों में अब भेजो ना वैक्सीन लगाने के लिए, संबित पात्रा जी वहां जाइए, दिल्ली के बॉर्डर पर वैक्सीन लेकर जाइए, बातचीत कीजिए, झूठ बोलते हो रोज, पूरे देश में घूम रहे हैं, तो वैक्सीन लेके जाओ ना, किसानों के लगाओ वैक्सीन। अंजना जी अब तैयार कर लिया किसान तो वैक्सीन लगवाने के लिए, हो जाए मैं फ्री दीजिए सबको, कह रहे हैं प्रताप जी। मैं एक बात कहना चाहूंगा, मैं एक बात कहना चाहूंगा, इन्होंने जो ये बिल लेके आया है ये उस टाइम में कोविड था, जब कोविड था कि कोई प्रदर्शन नहीं कर सके। एक सेकंड एमएलए साहब, एक सेकंड रुक जाइए थोड़ा, संबित पात्रा जी जवाब दीजिए खाची आवाज जी का। देखिए अंजना जी, आज ये पूरी तरह से जब घिर गए हैं तो ये कह रहे हम में से किसी ने कुछ नहीं कहा, हम सब वैक्सीन लगवा लेंगे। सुबह तो मैं न्यूज में देख रहा था, यही कह रहे थे हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, और अगर मरने को डल जाऊंगा तब लगवा लूंगा, वरना नहीं डलवाऊंगा। दूसरी बात है ये आज मनीष तिवारी, तो मुझे लगता है पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, इनसे सीनियर ही होंगे, और मनीष तिवारी जी एमपी भी हैं अभी। मनीष तिवारी जी कह रहे थे कि अविश्वसनीय है, विश्वसनीयता पे सवाल जवाब है, इसलिए तो वैक्सीन लगाने का बहुत ही मामला खराब रहने वाला है, लोग वैक्सीन नहीं लगाएंगे। शशि थरूर, मैं मानता हूं कि ये जो दोनों नेता कांग्रेस के बैठे हुए हैं इनसे सीनियर ही होंगे, शशि थरूर जी ने ट्वीट किया था। जयराम रमेश भी मैं मानता हूं इनसे सीनियर होंगे, जयराम रमेश जी ने ट्वीट किया था। राशिद अलवी जी ने बोला था कि हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। आप बताइए ये कांग्रेस पार्टी का चरित्र आप देखिए। अभी यहां किसानों के बारे में इन्होंने बात कर ली कि ऑर्डिनेंस क्यों लेके आए, इन्होंने होटल के बारे में बात कर ली, इन्होंने अपने यहां टूरिज्म के बारे में बात कर ली, वैक्सीन के बारे में लोगों के बीच में भ्रम फैला करके यहां पर ये आके भलमानस साफ दिखा रहे हैं कि हम बिल्कुल सही हैं, हम तो वैक्सीन लगवा लेंगे। तो चार दिन से आपके ये बड़े बड़े नेता क्यों इस प्रकार से ट्वीट कर रहे हैं? आप यहां, मैं मंत्री साहब से पूछता हूं और विधायक जी से पूछता हूं, आप दोनों बताइए, अखिलेश यादव ने गलत बोला है ना, ये बीजेपी की वैक्सीन है? आप बताइए मंत्री जी, आप बताइए जरा, अखिलेश यादव जी ने गलत बोला है ना, ये बीजेपी की वैक्सीन है? अखिलेश जी को माफी मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए? आप बताइए, इसका उत्तर दीजिए। क्यों काचे आवाज जी? कहोगे मैं बता दूंगा, बीच में बोलना अच्छा नहीं लगेगा। राजीव राय जी को दिखाइए, आप बोलिए। देखिए ऐसा, राजीव राय जी को संबित पात्रा जी ने ये कहा, हाँ बोलिए काचे आवाज से, संबित पात्रा जी ने ये कहा कि ये बीजेपी की वैक्सीन नहीं है, आप नंबर लेने की कोशिश मत कीजिए,
ये भारत की वैक्सीन है, बीजेपी की वैक्सीन नहीं है, बीजेपी ने नहीं बनाई, हमारे साइंटिस्ट ने बनाई। अखिलेश यादव ने कहा बीजेपी की वैक्सीन है, आप बताइए ये बीजेपी की वैक्सीन है या नहीं। राजीव राय जी, यादव ने क्या कहा ये, राजीव राय जी आप बात को घुमाइए। अखिलेश यादव यूं ही बीजेपी के मार्क्स बढ़ाने में लग गए, जो काम वैज्ञानिकों ने किया उसका श्रेय बीजेपी को दे दिया। आपको बोलना चाहिए, आज तक सबसे बड़ा चैनल है और आज तक पर यदि आप बोलेंगे हम फ्री में वैक्सीन लगाएंगे तो बड़ा संदेश जाएगा, लोगों को खुशी होगी, लोगों में तो मैं अच्छा लगेगा। अरे अभी तो फ्री में ही लग रहा है, कर दो घोषणा। अरे अभी तो फ्री में ही लग रहा है, कहाँ पैसा घोषित किया है, आप क्यों परेशान हो रहे हो? कीजिए ना, मुझे ही पता है फ्री में लग रहा है। आइए ना, आप आइए आइए आइए, जब लगना शुरू होगा आप आइए। बड़ी तकलीफ, आप पहले मिलान में राहुल जी से बात करिए कि आप वैक्सीन लेंगे कि नहीं, पहले डिसाइड करिए। अरे मंत्री साहब, मैं आपसे दिल्ली बॉर्डर, फिर वैक्सीन में दिल्ली बॉर्डर, ये वैक्सीन साहब, अरे मंत्री साहब, मेरे आपसे, मैं आपका छोटा भाई हूँ मंत्री जी, आप एक फोन कॉल अभी पहले मिलान करिए, मिलान में पहले राहुल जी से पूछिए कि वैक्सीन लेना है या नहीं लेना है, उसके बाद बताइए। अरे आप मोदी जी से पूछिए क्या फ्री में लगाएंगे क्या? आप पहले मोदी जी से परमिशन ले लीजिए। मैं तो बोल रहा हूँ फ्री है भैया, अभी पैसा नहीं ले रहे हैं, अभी फ्री है। राहुल जी का नाम हमेशा याद आता रहता है। आप किसी ने पैसा बोला, आपसे पैसा मांगा किसी ने? तीन करोड़ लोगों के लिए है ना संजय जी, क्लासी से बात किसी ने? राहुल जी बोलते रहते हो, कभी किसान किसान भी बोलो। मैंने अभी पैसा मांगा किसी से? मैं अभी किसी से पैसा मांगा है क्या? अभी किसी से पैसा मांगा है सरकार ने? लगातार बोले जाते हैं। पहले कांग्रेस डिसाइड कर ली कि पैसा मामला है या विश्वसनीयता मामला, घोषणा तो करो, डिसाइड तो कर ले। राजीव राय जी, किसी से पैसा मांगा, घोषणा। अजय आलोक जी, इसके बाद फौरन आ रही हूँ, आपकी चाय भी तब तक खत्म हो जाएगी। वैक्सीन लगा के आके बात कर रहे हैं, जल्दी से। राजीव राय जी, आपने बीजेपी को नाहक ऐसे श्रेय दे दिया अखिलेश यादव ने, मतलब काम वैज्ञानिक करे और ये बीजेपी की वैक्सीन हो गई। अंजना जी, अंजना जी, अखिलेश जी ने कल उसको क्लेरिफाई भी किया और परसों का वीडियो और बयान पूरा सुने होते, कम से कम वैक्सीन के मामले में हमको उन लोगों से ज्ञान नहीं लेना है जो राडार से बादलों में जहाज को छुपा देते हैं, नाली से गैस को निकाल देते हैं, बत्तख से ऑक्सीजन निकालते हैं, सीता माता को टेस्ट ट्यूब में भी बताते हैं और रामायण में इंटरनेट बता देते हैं। ऐसे लोगों से ज्ञान की जरूरत नहीं है। ये कहां से शुरू हुआ? आप अगर सुन रहे होंगे तो चैनलों पर बात आई थी, मोदी जी को वैक्सीन गुरु, योगी जी ने कहा वैज्ञानिकों ने एक बनाया, विदेश के वैज्ञानिकों ने एक वैज्ञानिक बनाया, हमने दो दो वैक्सीन बना दिए। सवाल सीधे सीधे उनका एक सरकास्टिक स्टेटमेंट था उत्तर प्रदेश के हेल्थ सिस्टम पे। अभी आज मैं देख रहा था, अभी थोड़ी देर पहले चैनल पर आने के पहले, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लोकसभा क्षेत्र में आज ड्राई रन हुआ और साइकिल पर वैक्सीन लाद कर गया। तो जो लोग बत्तख से ऑक्सीजन निकालते हो और नाली से गैस निकालते हो, रडार को छुपा देते हो बादलों में जहाज को, ऐसे लोगों को अगर ज्ञान आएगा और कहा जाएगा कि वैक्सीन गुरु का वैक्सीन है, योगी जी का गुरु है वैक्सीन है, और जहां अस्पतालों में कूड़ेदान पड़े हुए हैं, सिस्टम नहीं। आज मैं आपको आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर साहब, आप तो डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे हैं, थोड़ा चले जाते वहां, बल्कि किसानों के बीच में भी एक ज्ञान बांट आते, सर्दी जुकाम की दवाई दे आते, नहीं जाएंगे? आइए हमारे क्षेत्र में कल एक वीडियो वायरल हुआ है, अस्पताल के बाहर अगर देख लेंगे आप उसको, तो आप खुद अस्पताल में नहीं जाएंगे, और अगर आप बड़े अधिकारी और नेता बन के जाएंगे तो सस्पेंड करवा के आएंगे। तो ऐसी हालत है जहां योगी जी का सिस्टम, हेल्थ सिस्टम चरमरा चुका है, जहां पीपीटी की किट में घोटाला, वो आरटीपीसीआर के किट में घोटाला, जहां ऑक्सीजन में घोटाला, जहां दवाइयों में घोटाला, जहां एम्बुलेंस में ट्रेन तेल नहीं है। वैसे में ऐसे ऐसे वैज्ञानिक, महान वैज्ञानिक जिनको मतलब पूरी दुनिया हंसती हो, ऐसे वैज्ञानिकों को वैक्सीन की जरूरत किसी को नहीं है। और आपने संबित पात्रा साहब सबसे पूछ रहे हैं, आपने मामा से पूछा, बाबा से पूछा, शिवराज मामा से पूछा कि वैक्सीन क्यों नहीं देंगे? गरीबों पर पता है, वीडियो आया है आपका, ट्रायल में जो रन हुआ है वो लोग बीमार पड़ गए हैं, और आपके बाबा रामदेव मना कर रहे हैं, आप लोगों से नहीं पूछेंगे, घूम घूम कर इधर पूछेंगे? पूछे ना, ये तो मैं आपत्ति करता हूँ अंजना जी। अंजना जी, मुझे आपत्ति है, इन्होंने अभी कहा कि भारत के वैज्ञानिकों पर दुनिया हंसती है, ऐसे वैज्ञानिकों के वैक्सीन को हम क्यों एक्सेप्ट करेंगे? अरे झूठ मत बोलिए, झूठ में डॉक्टर किया है क्या? मैं भारत के वैज्ञानिकों को सलाम करता हूं, झूठ में मैं प्रधानमंत्री को, अभी आपने कहा भारत के वैज्ञानिकों पर दुनिया हंसती है। अरे अंजना जी, आप रिवाइंड करके, आप भारत के वैज्ञानिकों पर दुनिया हंसती है, ऑक्सीजन निकलता है, ऐसा झूठ बीजेपी के नेताओं को पर कटाक्ष करके उन्हें वैज्ञानिक कह रहे हैं, झूठ मत बोलिए, चलिए ठीक है, बीजेपी के नेताओं के लिए यूज कर रहे हैं। अरे टोटी बंद तो कर, जवाब दीजिए, आलोक जी की चाय खत्म हो गई, जल्दी।
चलिए ऐसा है कि इनको वैक्सीन नहीं लेना है, तो इनको टोटी में वैक्सीन सप्लाई करो। नहीं टोटी से सप्लाई, अरे गांजा कौन लेता है, छोड़िए राहुल जी काहे गाली दे रहे हैं, अरे गांजा कौन ले रहा है मिलान में सब जानता है, छोड़िए ना, अरे गांजा कौन ले रहा है मिलान में, छोड़िए छोड़िए, हम मिलान और बैंकॉक नहीं जाते हैं, जो मिलान और गैंग बैंकॉक जाता है वो क्या लेता है उसके बारे में बताओ उसके बारे में, अरे बताओ उसके बारे में, कौन गांजा और क्या लेता है मिलान में सब पता है हम लोगों को, ऑस्ट्रेलिया में कौन क्या लेता है सब पता है हम लोगों को, ये चिल्लाना बंद करिए बंद, अरे छोड़िए बैठिए बैठिए, टोटी से वैक्सीन लीजिए आप और पत्ते पहन के गुफा में रहिए, यहाँ पर बोल रहे भारत के वैज्ञानिकों पर दुनिया हंसती है, अरे कुछ नहीं कोई नहीं सुनने वाला है, अखिलेश यादव जी ने कहा है कि हम लोग इस सरकार की वैक्सीनेशन नहीं लेंगे, आप चला के दिखाइए, आप चला के दिखाइए वो बाइट, अंजना जी आप बाइट चला के दिखाइए, बाइट में अखिलेश जी ने कहा है हमारी सरकार आएगी तब हम वैक्सीन लेंगे, इस सरकार का वैक्सीन नहीं लेंगे, ये अखिलेश जी ने कहा है, ये अखिलेश जी ने कहा है ये बीजेपी की वैक्सीन है और हम इस सरकार में वैक्सीन नहीं लेंगे, और कौन गांजा लेता है, और कौन गांजा लेता है, कौन गांजा लेता है बताइए, कौन गांजा लेता है, एक बार वर्ल्ड मैप दिखाइए, कौन से वो देश है वर्ल्ड मैप दिखाइए जल्दी से, उस पर राजा आलोक का एक रिस्पॉन्स देंगे, देखिए जो कौन कौन से मुल्क हैं जिन्होंने अपनी वैक्सीन बना ली है उसमें भारत भी शामिल है, ये वो वक्त है जब गर्व करने का है, हम आपसी महामारी में भी आपसी मारामारी, अजय जी अंजना जी देखिए इस देश में दुर्लभ मूर्खों की कमी नहीं है और हमारे देश में कुछ जरूरत से ज्यादा है, अब कहने को सपा भाजपा का विरोध करती है एनडीए का विरोध करती है लेकिन आप खुद बताइए अखिलेश यादव ने यह बात कह के भारतीय जनता पार्टी को नया साल का सबसे बड़ा तोहफा दे दिया, बीजेपी की वैक्सीन बता दिया, उसके लिए तो धन्यवाद राजीव जी, धन्यवाद दीजिएगा अखिलेश जी को, इससे बड़ा तोहफा और क्या देंगे, लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि अखिलेश यादव जैसे नेता, कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता अगर इस तरह से जनता के बीच में जाके बोलेंगे कि वैक्सीन नहीं लेना है, वैक्सीन नहीं लेना है, और उसके कारण आबादी का कुछ प्रतिशत अगर इससे प्रभावित होकर वैक्सीन नहीं लेता है तो ये किसकी जिम्मेदारी होगी अगर कल को उनको कुछ हो जाएगा। खाशेवास जी आपसे शुरुआत कर रही हूँ क्योंकि अगर जो सवाल अजय आलोक पूछ रहे हैं, अगर कुछ लोगों के मन में भी इस वैक्सीन को लेकर शक पैदा हो जाता है उसकी जवाबदेही किसकी होगी? उसकी जवाबदेही भारत सरकार की होगी, प्रधानमंत्री जी को स्वास्थ्य मंत्री जी को आगे आना चाहिए, ये देश सबका है, ये बीजेपी कांग्रेस बहस का मुद्दा नहीं है, आरोप प्रत्यारोप लगा दें, कभी राहुल गांधी को टारगेट कर लें कभी कांग्रेस को, अरे आप सत्ता में बैठे हो और सरकार में बैठे हो आप अनाउंस कीजिए, अच्छी बातें कीजिए, कभी तो पॉजिटिव बात कीजिए, उसने ये कह दिया उसने ये कह दिया, ये हमारी वैक्सीन है ये तुम्हारी वैक्सीन है, आपकी वैक्सीन है तो वो तो वहां पे तो बिना वैक्सीन के मर रहे हैं, बिना मास्क के बैठे हैं किसान, उनकी भी चिंता कीजिए, देश रुका हुआ पड़ा है, दिल्ली जाम पड़ी है, अरे सवाल तो क्या ये है ना सर, मानो तो वैक्सीन ना मानो तो पानी, तो आप ड्राई रन शुरू हुआ है, अब करिए ना कौन मना कर रहा है, अफवाह फैलाइए फिर सरकार उस पर सफाई देते रहे, सरकार इसी में उलझी रहे। अजय आलोक जी कुछ बोलना चाह रहे हैं आपकी बात पर, अजय आलोक हम कब उलझा रहे हैं, सरकार की आदत पर, इस सरकार की ये सरकार काम कम करती है, मैं बिल्कुल मंत्री जी से भाषण ज्यादा है राशन कम है, काम कुछ नहीं करेंगे, बातें बड़ी बड़ी अच्छा। अभी तक तो किसी को कुछ मिला नहीं है, वही तो सरकार है, 15 लाख लेकर आएंगे अच्छे दिन आ जाएंगे, 15 लाख मिल जाएंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाएगा, अब और नहीं पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार आ गई तो किसान मर रहे हैं भूख से, कोई संभालने वाला नहीं है, अजय आलोक जी आपकी बात का जवाब दे रहे हैं मंत्री जी, अब वैक्सीन चालू हो गई तो इस पे लड़ाई लड़ दो जी, अंजना जी मंत्री जी को बस एक ही बात बताना चाहूंगा, मंत्री जी बहुत सही बात बोल रहे हैं क्योंकि मंत्री जी सत्ता में हैं, संवैधानिक पद पे हैं, उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास है, इसलिए कह रहे हैं कि बिल्कुल वैक्सीन सबको लेनी चाहिए, भारत की वैक्सीन है और सबको सारे देशवासियों को लेनी चाहिए, फ्री में भारत सरकार को देनी चाहिए, बिल्कुल स्वागत है आपकी बात का, यही तो विरोधाभास है मंत्री जी, आप सत्ता में हैं तो आपको वो देश की वैक्सीन लग रही है, आप सबको लेने की बात कह रहे हैं लेकिन आपके साथी और आपके वरिष्ठ मित्र दिल्ली में जो कांग्रेस पार्टी के हैं वो विपक्ष में है तो वो कहते हैं वैक्सीन मत लो, क्या राष्ट्रीय पार्टी का चरित्र ऐसा होना चाहिए, जरा आप खुद ही बता दीजिए, हम लोग समझ लेंगे जरा कांग्रेस पार्टी किस तरह की है, दिल्ली की सोच कुछ, राजस्थान की सोच कुछ, राजस्थान के विधायक की सोच कुछ, सरकार की सोच कुछ, इतना विरोधाभास है कि कांग्रेस पार्टी चलेगी इसलिए तो सत्यानाश हो रहा है, अभी मैं दूसरे चैनल पे था, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे आपके रिश्तेदार लगते हैं राहुल गांधी के, कह रहे थे कि कोई डेटा नहीं है, क्लिनिकल ट्रायल का डेटा नहीं है भारत बायोटेक का, अरे डेटा देख क्या, उसके बाद फिर संबित पात्रा जी कह देंगे डेटा देख के राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाया,
तो फिर आप भड़क जाएंगे। तो ऐसी बातें क्या कीजिए ना जिसका कोई संदर्भ हो, बिना संदर्भ की बातें आप लोग करते हैं तो इसलिए मजाक। लेकिन अजय आलोक जी, अजय आलोक जी, ये भी एक सच्चाई है कि जहां सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के वैक्सीन में ट्रायल्स हो गए हैं, वहां थर्ड फेज के ट्रायल्स में अभी भारत बायोटेक के रिजल्ट्स नहीं आए हैं। थर्ड फेज में अभी अभी होना है वहां पर। तो ये जो एक सवाल उठ रहा है, ये कई साइंटिस्ट भी उठा रहे हैं, कई डॉक्टर्स भी उठा रहे हैं, उस पर क्या जवाब होगा? थर्ड फेज के ट्रायल्स अभी नहीं हुए हैं ना, और सरकार ने जो परमिशन दिया है उसमें थर्ड पॉइंट सेकंड पॉइंट में लिखा है कि भारत बायोटेक में थर्ड फेज के ट्रायल्स होने हैं, स्टिल इन क्लिनिकल ट्रायल्स, बट हम परमिशन दे रहे हैं इमरजेंसी। आ रही हूं संबित जी, राजीव जी आ रही हूं। एक बार अजय अंजना जी, बात क्रेडिबिलिटी और बात विश्वसनीयता की है। 123 देशों में भारत बायोटेक वैक्सीन सप्लाई कर रही है, उसकी एक सेट टीम ऑफ इंडियन साइंटिस्ट है जिसको हम सब भारत के देशवासी सल्यूट करते हैं, उस एक फर्म की क्रेडिबिलिटी है। सेकेंडली, डीजीएमआर ने, आईसीएमआर ने और हमारे साइंटिस्ट की टीम ने जिसका एक कोर एग्जामिनेशन किया है, सशर्त ट्रायल की उनको अनुमति दी गई है, क्लॉज लगा के रेस्ट्रिक्टेड क्लॉज के तहत उनको इमरजेंसी यूज के तहत इनको अनुमति दी गई है। क्योंकि विश्वास है, भरोसा है कि ये वैक्सीन जो पूर्णतः स्वदेशी है, ये बिल्कुल सही उतरेगी। अगर उस पर हम प्रश्न उठाते हैं तो आज की तारीख में हम अपने देश की ऐसी कंपनी पर प्रश्न उठा रहे हैं जो बिलियन डॉलर कमा के ला रही है इस देश में फॉरेन एक्सचेंज के तहत, जो भारत का नाम ऊंचा कर रही है पूरे विश्व में 123 देशों को वैक्सीन देके। कल इसी भारत बायोटेक के जरिए पूरे अफ्रीका में हम प्लान कर रहे हैं कि हम वैक्सीन देंगे उन कमजोर देशों को। तो कहीं ना कहीं अपने देश की क्रेडिबिलिटी को खराब करने का जिम्मा क्या विपक्ष ने ले लिया है? बस इसका भी जवाब दे दीजिए। ठीक है राजीव जी, एक बार बोलने पर संबित जी एक साथ जवाब दीजिएगा। राजीव जी, क्या अपने देश की क्रेडिबिलिटी पर चोट नहीं है इस तरह से बोलना? क्योंकि ये जो भारत बायोटेक की वैक्सीन है, ये अलग अलग मुल्कों में ये वैक्सीन देने वाले हैं, इन्होंने ट्रायल्स भी अलग अलग मुल्कों में किया है और दूसरे मुल्कों को ये वैक्सीन दे रहे हैं। अंजना जी, पहली बात, किसी भी वजह से कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कह दिया और मैं आज फिर दोहरा रहा हूं, देश की किसी डॉक्टर, वैज्ञानिक या किसी कंपनी पर सवाल नहीं उठाया जा रहा है, न किसी उन पर अविश्वास का वो है। कहने की बात सिर्फ है, आपने पूछ रहे थे ना लोगों के मन में डर क्यों नहीं होगा, आपको याद है कोरोना शुरू होते ही लॉकडाउन में सबसे पहले बाबा रामदेव ने कोरोना वैक्सीन का दावा कर दिया। आज आपके चैनलों पर बैठकर कह रहे हैं कि मैं वैक्सीन नहीं लूंगा। मध्य प्रदेश में ट्रायल हुआ था, उसका एक वीडियो मैं देख रहा था जहां उनको ट्रायल में कहा गया, पैसे देकर वैक्सीन दिया गया, वो लोग बीमार पड़ गए हैं और उनको कोई पूछने वाला नहीं है, और वहां के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मैं वैक्सीन नहीं लूंगा, सबको ले लेंगे तब मैं लूंगा। तब अविश्वसनीयता नहीं होती इसकी? तब लोगों के मन में शक नहीं होता है कि हमारा मुख्यमंत्री तो मना कर रहा है, हमारे प्रदेश में मरीज बीमार पड़ रहे हैं वैक्सीन लेकर, जो हर बात को कैंसर से लेकर एड्स से लेकर हर चीज का पलकों में दवाई बना देते हैं बाबा रामदेव, वो बोल रहे हैं कि मैं नहीं लूंगा। तो सवाल तो उन लोगों से भी पूछा जाना चाहिए। हमने कई बार अगर कुछ कंफ्यूजन था तभी हमने क्लियर कर दिया है कि सब देश की वैक्सीन पर, देश के वैज्ञानिकों पर, देश की संस्थाओं पर कोई सवाल नहीं। आपने सही कहा, उसमें अगर ये लिखा है कि रिस्ट्रिक्टेड मोड में क्लिनिकल ट्रायल इन केस ऑफ इमरजेंसी यूज होगा, तो लोगों के मन में शक आना स्वाभाविक है। और ऐसे हालात में जब हेल्थ सिस्टम एकदम चरमराया हो और क्लिनिकल ट्रायल मोड वाली वैक्सीन को आप इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो अगर हमने सवाल उठा दिया, सही बात है कुछ डॉक्टरों ने कहा है पक्ष में, कहा है कुछ डॉक्टरों ने विपक्ष में, कहा है कुछ डॉक्टरों ने जो अभी शंका जाहिर की है, जो वैज्ञानिकों ने कुछ शंका जाहिर की, वो देशद्रोही तो नहीं है? तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है ना कि अगर ऐसी बात हो तो कम से कम, जब इनके मुखिया ही कहने लगे कि हम तो नहीं लेंगे, सब ले लेंगे, सब ले लेंगे, ये शक वो जाहिर कर रहे हैं, जो वैक्सीन में भरोसा करेगा राष्ट्रवादी, कोई और जो उस पर सवाल खड़े करेगा वो देश विरोधी। कोई देश विरोधी और देशद्रोही नहीं कह रहा है, मगर जिस प्रकार एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है और हर विषय पर, और हर विषय, हर विषय को लेकर एक विरोध की राजनीति की जा रही है, उस पर हमें बिल्कुल विरोध है कि अगर लोगों को आप भ्रमित करेंगे, लोगों को भड़काएंगे, आप कहेंगे, अभी अभी मनीष तिवारी जी का आपने बाइट सुनाया, मनीष तिवारी जी ने कहा कि विश्वसनीयता जो है इस वैक्सीन की नहीं है। आज अगर सर्व न्यूनतम विश्वसनीयता पे कुछ चीज टिकी हुई है तो उसका नाम कांग्रेस है। पूरे विश्व में अगर सबसे कम विश्वसनीयता किसी की है तो वह कांग्रेस पार्टी की है, और वो लोग वैक्सीन की विश्वसनीयता पे बात कर रहे हैं। दूसरी बात है, आप बताइए, मैं आपको बता रहा हूं और आज आपके चैनल के माध्यम से सबसे बड़ा चैनल है, मैं आदरणीय मोदी जी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, मोदी जी जरूर देख रहे होंगे, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप कभी भी ऐसा अपील मत करिएगा कि सभी लोग लंबी गहरी सांस ले ताकि हम ज्यादा ऑक्सीजन ले सके।
कि विपक्ष के लोग जो हैं ये कहीं नाक बंद करके प्राण न त्याग कर दें, कि हर विषय पे ट्रिपल तलाक का कानून आएगा तो उस पर अपोज करना है, राम मंदिर बनेगा तो उस पर अपोज करना है, सर्जिकल स्ट्राइक होगा तो उस पर अपोज करना है, एयर स्ट्राइक होगा तो उस पर अपोज करना है, रफाइल आएगा तो उस पर अपोज करना है, सेंट्रल भिस्ता बनेगा तो उस पर अपोज करना है। मैं तो मोदी जी से कहता हूं, प्लीज सर आप किसी दिन ये ऐलान मत कर दीजिएगा कि बहुत लंबी गहरी सांस सभी लोग ले, बहुत मुश्किल हो जाएगा, किसके साथ डिबेट करेंगे बताइए, कोई रहेगा ही नहीं, सब नाक बंद कर करके के प्राण छोड़ देंगे। यही हकीकत है, विरोध के लिए विरोध, मतलब अभी बोल रहे हैं कि वैक्सीन पे कोई विरोध नहीं है, आप बाइट चलवाइए अखिलेश जी का, अखिलेश जी बोल रहे थे हमारी सरकार आएगी तभी हम वैक्सीन लेंगे, इस सरकार से वैक्सीन ले रहा है, ना 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 ना, हमारी सरकार आएगी तब हम वैक्सीन लेंगे, ये तो बीजेपी की बाइट, ये तो बीजेपी, मैं शिवराज जी की बाइट मैं बता देता हूँ, मैं टोटी लाऊं, अरे वो टोटी भी रखा हुआ है, मैंने वो टोटी भी हमने रखा हुआ है म्यूजियम में, है वो टोटी, हम लाए टोटी, लाओ रे टोटी कहाँ है, वो टोटी अंदर में है, वो टोटी भी दिखाऊंगा, आपके पास तो मोबाइल है, मेरे पास टोटी है, वो टोटी मैं दिखाऊंगा। अरे सुनिए राय साहब टोटी कोई अमर्यादित शब्द नहीं है, मैं बता दूं आपको, टोटी मर्यादित शब्द है, और आप प्रधानमंत्री के ऊपर जिस प्रकार का कटाक्ष कर रहे हैं, आप प्रधानमंत्री के खिलाफ बोल रहे हैं कि नाली से गैस निकालते हैं, ये मर्यादा है, आप कह रहे हैं कि नाली से गैस निकालता है आपका प्रधानमंत्री, ये मर्यादा है, आपकी ये मर्यादा है, नाली से गैस निकालते हैं प्रधानमंत्री, ये मर्यादा है आपकी, आप टोटी निकाल लेते हैं तो ठीक है, नाली से गैस निकालता है प्रधानमंत्री, ये मर्यादा है आपकी, ये मर्यादा है आपकी, आप बता रहे हो प्रधानमंत्री से, प्रधानमंत्री नाली से गैस निकालता है, देश के प्रधानमंत्री ने कहा है, ये मर्यादा है आपकी, प्रधानमंत्री आप तमीज से बात करिए प्रधानमंत्री के लिए, आप प्रधानमंत्री के तमीज से बात करिए, हम क्या चाहता है ये, अरे अटैक हो जाएगा शांति से बैठिए, अरे अटैक हो जाएगा शांति से बैठिए, ऐसे मत होइए, ये सीट पे मत उछलिए, आपने प्रधानमंत्री के जैसे शब्दों का प्रयोग किया, मैंने तो केवल टोपी कहा है, और आपने कहा है कि बीजेपी का वैक्सीन है, आप झूठ बोल रहे हैं, ये देश के वैज्ञानिकों का वैक्सीन है, आपने कहा इस सरकार ना, चलिए वापस आते हैं, वापस आते हैं, हम सभी कोशिश करें बात बहस की सार्थकता को थोड़ा सा बरकरार रखें, लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ है, काचेबाजी लगता है, माइक हटा रहे, जल्दी जल्दी एक कमेंट लेना है मुझे, एक एक कमेंट लेना है, कंक्लूडिंग रिमार्क का वक्त आ गया, कंक्लूडिंग किसानों के बीच में चले जाओ, मत कीजिए तू मैं, चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से, खाचेवास जी देखिए आपने जिस जिम्मेदारी से कहा, आप कह रहे वैक्सीन लेंगे, आप भी लेंगे, यही जिम्मेदारी प्रशांत बैरवा को दिखानी होगी, यही जिम्मेदारी तमाम नेताओं को दिखानी होगी, चाहे आप सत्ता में हैं या नहीं है, आप मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं वहां पर, आप वहां पर मंत्री हैं, आपकी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, तो आपको जिम्मेदारी का एहसास है, आप ऐसी बात नहीं कर सकते हैं, लूज टॉक, आप शक नहीं जाहिर कर सकते हैं, लेकिन जो नहीं है सत्ता में वो शक फैलाए लोगों के मन में, ये भी तो ठीक नहीं है ना सर, खाचेवासी अंजना जी आपने बहुत अच्छी बात कही, एक तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा संबित पात्रा जी से, सरकार में जो होता है उसकी भूमिका बहुत बड़ी होती है, हर मुद्दे पर जिस तरह की भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं, लोगों से लड़ते हैं, झूठ बोलते हैं, मैं कह रहा हूं ये बहुत अच्छे वक्ता हैं, झूठ बोलना जिस दिन बंद कर देंगे देश इनको ज्यादा गंभीरता से लेगा, वैक्सीन का मुद्दा कांग्रेस और बीजेपी में बांट कर देखा जाए, जैसा आज तक आप बताइए मनीष तिवारी जी झूठ बोल रहे हैं या आप लगातार बोल रहे हैं, पहले इसको क्लेरिफाई करिए, आप जवाब दे रहे हैं तो पात्रा जी सम्मान से कह रहा हूं, बोलने दिया करो, आज जिस साल में नया दिन कर दीजिए, आप लगातार आप मेरे बात बोल रहे, मैं प्रधानमंत्री जी के लिए नहीं बोल रहा, आप सुनने की तो आदत डाली, आप लगातार बोले जाते हैं, आप एक शब्द आज यदि संबित पात्रा जी ये कहते कि किसानों की हमको चिंता है, 60 किसानों की मौत हो गई है, वहां भी वैक्सीन लेकर जाएंगे, हमारे मंत्री लेकर जाएंगे, अब बात वो आपका खाना नहीं खा रहे हैं किसान, आप उनका लंगर का खाना खाने को मजबूर हो रहे हैं, लेकिन किसानों को वैक्सीन नहीं देंगे, उसकी मौत की चिंता नहीं है, अरे किसान के नाम पर आपको भी देंगे,
सभी के लिए, आप राहुल गांधी का नाम वैक्सीन है मेरे भाई, किसान का नाम भी तो दो, आपके लिए भी वैक्सीन है, लाखों किसान बॉर्डर पर बैठे कमाल कर रहे हैं, आज तक के चैनल में किसान का नाम नहीं ले, किसान के नाम से बहुत डर लगने लगा है, क्यों नहीं लेंगे किसान का नाम, आप तो कह रहे हैं हम किसान के बीच में हमारे नेता जा रहे हैं, सबको वैक्सीन मिलेगा, किसान तो हमारे साथ है, वैक्सीन नहीं मिलेगा, आप लेके जाइए संबित पात्रा जी, आपके मंत्रियों को भेजिए किसानों के वैक्सीन लगाना शुरू कीजिए, कैसे क्या आज किसान ये क्या मतलब आप देखिए पर बैठा है, आपके पास विषय नहीं है, आपको वहाँ जाना चाहिए, लगातार बोल दीजिए अंजना जी, डिबेट वैक्सीन पे हो रहा है और यहाँ पर जो मंत्री जी है वो वैक्सीन के बारे में बात नहीं करना चाहते, आज ये कह रहे हैं कि मनीष तिवारी जी झूठ बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि शशि थरूर जी झूठ बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जयराम रमेश जी झूठ बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि राशिद अलवी जी झूठ बोल, झूठ तो मनीष तिवारी जी सच बोल रहे हैं, मनीष तिवारी जी बोल रहे हैं कि ये वैक्सीन अविश्वसनीय है, आपने यहाँ पर किया कि वैक्सीन में हमें कोई शक नहीं है, आपकी तो कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, आप सच बोल रहे हैं या मनीष तिवारी सच बोल रहे हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ, उसको अरे भैया वैक्सीन के बारे में बात कर रही है, जल्दी से संबित जी जल्दी से जवाब दीजिए, वो कह रहे हैं कि आप लोग किसानों के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए इस मुद्दे पर इस तरह से जल्दबाजी में सब कुछ कर रहे हैं, तो ठीक है जवाब दीजिए अंजना जी, हमने कहा था शशि थरूर जी को ट्वीट करने के लिए, आज हमने कहा था मनीष तिवारी जी को इस वैक्सीन को अविश्वसनीय बताने के लिए, हमने फोन करके अखिलेश यादव जी को कहा था कि आप इसको बीजेपी का वैक्सीन बताइए, क्या ये अखिलेश यादव भी संघ के एजेंट हैं, क्या ये शशि थरूर भी आरएसएस के एजेंट हैं जो हमने इनको सिखाया था, देसी दवाई पर छिड़ गई है सियासी लड़ाई, जी हाँ एक तरफ महामारी दूसरी तरफ सियासत की है मारामारी जो वैक्सीन को लेकर है, लगातार इसी पर हम अपडेट आपको दे रहे थे और बहस भी हो रही थी, देखते रहिए आज तक।